हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपिक स्टडी। दिस विपुल मलिक और हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जिसका आज पार्ट वन है। बेसिक कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ जाएगा। बहुत इजी वे में हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको टाइमिंग बता दूं क्लासेस की। मैथ्स क्लास होती है आपकी 2 to 3 PM, रीजनिंग की 9 to 10 PM, जीके का डेली लाइव टेस्ट होता है रात 11 बजे, ठीक है। और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, नीचे रेड बटन दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सौरभ मलिक है वो अन अकेडमी की लर्निंग एप पर भी टीचिंग कराते हैं, तो उनके काफ़ी लेसन्स वहाँ पे भी अपलोड किए गए हैं। तो आप जो है अन अकेडमी की लर्निंग एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं और उनके कोर्सेज जो है देख सकते हैं। चलिए आते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट वन पे, जिसका आज बिल्कुल बेसिक कवर करेंगे, जितना बेसिक हो सकता है ना, बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री बनती है, देखिए त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री के दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो एक ट्रायंगल, एक ज्योमेट्री है। इनका बेसिक आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो मैं बताने वाला हूँ, टेंशन ना ले आप, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक आपका ट्रायंगल है वो बेसिक, और एक बेसिक है ज्योमेट्री। ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल इसकी नॉलेज होनी चाहिए और ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। इसमें एक होता है आपका बेस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आधार, एक होता है हाइपोटेन्यूस जिसको बोलते हैं कर्ण हिंदी में, और एक होता है परपेंडिकुलर जिसको लंब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनता है आपका, ये सॉरी एच नहीं, ये पी है यहाँ पे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको बोलते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं एच इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस साइड, ये साइड जो होती है, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर का रूट करके ये साइड आती है, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्वाड्रेंट्स की। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस है, इधर वाई पॉजिटिव है, इधर वाई नेगेटिव है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चार क्वाड्रेंट है आपके पास में, ठीक है। तो इनमें अब देखते हैं आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं इस साइड चलता हूं यहां से, तो एक्स कैसा आएगा मेरे पास में, पॉजिटिव, ठीक है। इस साइड चलूंगा तो एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। इस साइड चलूंगा वाई कैसा आएगा, पॉजिटिव। इस साइड चलूंगा तो वाई कैसा आएगा, नेगेटिव। बस अभी के लिए इतना ही काफी है, अगले जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। ये मैं आगे अभी बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आप टेंशन ना ले सी। तो एजम्पशन, तीन एजम्पशन किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए दो चीज मैंने अभी तक आपको बताई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस वाला, और दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको ज्योमेट्री, जिसमें कि मैंने आपको बताया क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये बेसिक दो चीजें हो गई जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए जरूरी थी। एक तीसरा एजम्पशन है, ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो तीन एजम्पशन किए गए हैं, जिसे हम बोलते हैं साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो, टेंजेंट रेशियो, जिन्हें आप नाम सुना होगा काफी इनका, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला होता है, इसको पी अपॉन एच से डिनोट करते हैं, कोस थीटा को बी अपॉन एच से, टेन थीटा को पी अपॉन बी से। अब देखिए ये कैसे हमने डिनोट किया है, इजिली यहां से समझिए। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा होता है आपका पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। अब हमारे पास में इन तीनों के इनवर्स भी हैं, इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल भी है हमारे पास में। साइन थीटा का अगर मैं, ये पी अपॉन एच है, अगर इसका एच अपॉन बी कर दूं तो मेरे पास में कोसेक थीटा आ जाएगा। अगर मैं कोस थीटा का बी अपॉन एच का एच अपॉन पी कर दूं तो मेरे पास में सेक थीटा आ जाएगा। टेन थीटा का पी अपॉन बी का अगर बी अपॉन बी कर दूं तो मेरे पास में कोट थीटा आ जाएगा। अब ये तो होगी कंसेप्चुअल बात, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस वाली, ये तो होगी कंसेप्चुअल बात। अब आइए शॉर्ट ट्रिक पे, शॉर्ट ट्रिक से इनको कैसे याद रखना है कि इसका क्या होता है। देखिए शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है मैंने, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसको हिंदी में बताता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक है बहुत ज्यादा अच्छी, दो लाइन है वो याद करोगे, ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे कभी। पी बी बी, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर हो सकता है तो इसको कहीं नोट कर लीजिए, ये क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम आने वाली ट्रिक है,
ऐसी और भी बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन ये सबसे इजी लगती है मुझे, इसलिए मैंने इसको बताया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये इससे अब क्या करोगे आप, इसका मतलब क्या निकला? ये पी अपॉन एच तो होता है आपका साइन, बी अपॉन एच होता है आपका कोस, पी अपॉन बी होता है आपका टेन, और पी अपॉन एच का अगर एच अपॉन बी कर दू तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? कोसेक। बी अपॉन एच का एच अपॉन बी कर दू तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा मेरे पास में कोसेक, और पी अपॉन बी का अगर बी अपॉन पी कर दू तो मेरे पास में आ जाएगा कोट। ये बी अपॉन एच का एच अपॉन बी कर दू तो सॉरी मेरे पास में सेक आएगा, ये देखिए यहां से, ठीक है। ये इतना अगर आपको समझ आया है तो ये इनको सिक्वेंशियली याद कर लीजिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है। अब यहां से देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन कोस टेन, अब उल्टा चलिए, साइन कोस टेन, और फिर आता आपका ये नीचे से चलूंगा तो कोसेक, ये नीचे से जाऊंगा तो सेक, और नीचे जाऊंगा फिर कोट। ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब चलते हैं आगे। अब इन सब से ही निकल के कुछ फॉर्मूलाज आए आपके, ये 8 फॉर्मूला मैंने लिखे हुए हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, लर्न करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली लर्न हो जाएंगे। ए सबसे पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन, ठीक है। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फोर्थ आपका साइन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये देखे कहां से निकल गया, कोस थीटा इजिकल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ये तीनों मैंने अभी आपको बताए ऊपर, जब मैं इनवर्स वाले यानी कि रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले आपको बताए थे ना, वो इजीली एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। इसको मैं कोसेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन साइन थीटा बोल सकता हूं, इसको सेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कोस थीटा बोल सकता हूं, इसको कोट थीटा इजिकल टू 1 अपॉन टेन थीटा, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर एक पी अपॉन एच है तो दूसरा एच अपॉन पी है, ये यहां से देख लीजिए ना आप, ये देखे साइन अगर पी अपॉन एच है तो कोसेक क्या है, एच अपॉन पी है, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह इस प्रकार से ये भी रेसिप्रोकल है आपके। तो अब इनके नाम है कुछ, इनको बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। इनको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से डराए हुए हैं। इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। अब बची आपकी ये टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इजिकल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपका जो टेन और कोट है वो भी एक दूसरे के जो है रेसिप्रोकल होते हैं। ये देखिए यहां से देखिए, अगर टेन थीटा साइन अपॉन कोस है तो कोट क्या होगा, कोस अपॉन साइन, ईजी है। ये कोशेंट आइडेंटिटीज होती हैं दो, ठीक है। अगर ये 8 फॉर्मूला आपके क्लियर हो गए हो तो एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 tan अल्फा इजिकल टू 4, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। फाइंड 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। अब इसको आप एज ए तरीके से करने जाओगे, पहले tan अल्फा की वैल्यू निकालोगे, फिर sin अल्फा की, cos अल्फा की, ऐसा करके ट्रायंगल बना के निकालोगे ना आप। टेन अल्फा की वैल्यू कैसे क्या आएगी, यहाँ से 4/5, और उससे आप इसको ट्रायंगल से फिर बची तीसरी साइड निकालोगे, फिर इनको रखोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। शॉर्टकट बताता हूँ, एक शॉर्टकट ये है कि आप कोस अल्फा जो है कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपने कोस अल्फा कॉमन लिया तो 5 साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस 3। ये देखिए जब कोई चीज़ कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं ना, तो ये साइन से मैंने यहाँ पे कोस डिवाइड कर दिया, ये कोस यहाँ पे कॉमन चला गया। सिंपली नीचे से भी मैंने कोस कॉमन लिया तो ये साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस 2, यहाँ से कोस चला गया ये वाला, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास में, 5 tan अल्फा माइनस 3, 5 tan अल्फा प्लस 2, और 5 tan अल्फा की वैल्यू आपके पास में दी हुई है 4। मैंने वैल्यू पुट की, मेरे पास में आंसर आ गया 1/6। ये SSC CGL का आया हुआ क्वेश्चन है जिसको आपने 5 सेकेंड के अंदर सोल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं साइन कंसेप्ट की। मैंने ज्योमेट्री में आपको अभी बताया था, आप सोच रहे होंगे कि जब से ये इनमें लगे हुए फॉर्मूला ट्रायंगल कंसेप्ट वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वाड्रेंट बता के क्वाड्रेंट की छुट्टी कर दी, क्वाड्रेंट का तो जिक्र नहीं किया कभी। तो देखिए क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आपका ये है कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसमें कुछ जो टर्म है आपकी साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट, इसको
क्वाड्रेंट में सभी कुछ पॉजिटिव, इसमें तो सभी पॉजिटिव होती है, इसमें कुछ पॉजिटिव होगी कुछ नेगेटिव होंगी, इसमें भी ऐसे ही होगा इसमें भी ऐसे ही होगा, तो कौन सी आइडेंटिटी किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, साइन कंसेप्ट से हम समझते हैं। ये देखिए ऐसा होता क्यों, सबसे पहले तो ये समझिए, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा याद करने की। तो ये कोई ट्रायंगल है आपके पास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा बनेगा, तो इसमें आपका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, इसमें आपका बेस भी पॉजिटिव है, इसमें आपका हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव है, यानी कि कर्ण भी पॉजिटिव है, आधार भी और लंब भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखिए, एच इज इक्वल टू क्या होता है, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो दो क्वांटिटी का जब आप स्क्वायर करके एडिशन करोगे तो कभी नेगेटिव में आएगा नहीं आएगा। तो ये हाइपोटेन्यूस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, अब बात आती है सिर्फ परपेंडिकुलर की और बेस की, ये कभी नेगेटिव होते हैं कभी पॉजिटिव होते हैं, डिपेंड करेगा किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इन चार में से किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो फिलहाल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ट्रायंगल बना हुआ है ये, इसमें आपका बी बी पॉजिटिव है और पी भी पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। तो इसमें आप किसी को भी ले लो, पी अपॉन एच जैसे आपका साइन को ले लो, आप कोस के ले लो, आप टेन को ले लो, फिर उसके बाद में आप कोसेक को ले लो, कोट को ले लो, या फिर आप किसी को भी ले लो मतलब, तो आपके सभी क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि सारी टर्म तीनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, यहाँ पे जब आपका ट्रायंगल ऐसे करके बनेगा तो आपका परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव आएगा, हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव है मैंने बताया आपको, लेकिन इस बार बेस नेगेटिव है, ये देखिए माइनस उस पर लाई कर रहा है ना, इस बार बेस नेगेटिव है। तो क्या होगा, आपका बेस नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वो क्वांटिटीज नेगेटिव होंगी जिनके अंदर बेस आता है, बी आता है, और वो सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव होगी जिनके अंदर बेस नहीं आता है। आप समझे मेरी बात, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसीलिए कॉर्नर में लिखा हुआ है, ऐसे करके समझिए। देखिए जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव है आपका, हाइपोटेन्यूस आपका नेगेटिव है, और बेस क्या है आपका, ओ सॉरी हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव है, पी भी आपका पॉजिटिव है, बेस सिर्फ बेस नेगेटिव है। अब देखिए साइन क्या है, पी अपॉन एच, इसमें कहीं बी आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन तो हो गया आपका भाई पॉजिटिव, इसके बाद में आपका आता है बी अपॉन एच, इसमें बेस आ गया, बेस आ गया ना इसमें, तो बेस क्या आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब कोस क्या होगा, कोस नेगेटिव होगा। अब ऐसे समझिए इस बात को, जैसे कोस आपका क्या होता है, कोस होता है आपका बी अपॉन एच, सपोज करिए बी क्या है, बी है आपका माइनस का चार, क्योंकि ये माइनस एक्स पे है, माइनस का चार, और आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो है पाँच, तो ये नेगेटिव आ गया ना, कोस आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब आपका जो कोस है वो नेगेटिव आएगा। अब बात करते हैं टेन की, इसमें भी बेस आ गया तो ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एच अपॉन पी, ये होता है कोसेक का, कोसेक भी पॉजिटिव आएगा, देखिए क्योंकि इसमें कहीं बी नहीं आया, और फिर दोबारा से आपका ये आपका कोसेक और फिर सेक और फिर कोट, इनमें फिर से बी आ गया, तो इसमें सिर्फ दो टर्म ऐसी हैं जिनमें कि एक तो आपकी साइन और एक आपका कोसेक, ये दोनों चीज़ें इसमें पॉजिटिव होंगी, और बाकी क्या होंगी, बाकी सब नेगेटिव होंगी। देखिए ये सिर्फ मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, बहुत डीप कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि कोई चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव, कोई आइडेंटिटी नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होती है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है ना तो ध्यान से देखें, मैंने नीचे इसकी शॉर्ट ट्रिक ली हुई है, आपको शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेना, और जिन लोगों को कंसेप्ट समझना है वो समझ लीजिए। देखिए उसके बाद देखते हैं थर्ड, जब यहाँ आएंगे तो इसमें आपका बी भी नेगेटिव है और इसमें आपका जो है परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, सिर्फ हाइपोटेन्यूस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जिसके अंदर बी और पी आएगा वो आपके हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि अगर इसमें दो टर्म, ये मैंने अभी आपको क्या बोला, जिसमें पी आएगा और जिसमें बी आएगा वो क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। अब आप सोचोगे अकेले एच से तो कोई आइडेंटिटी बनती नहीं है, तो इसमें तो सभी के सभी नेगेटिव होंगे, जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें दो टर्म पॉजिटिव, दो आइडेंटिटी जो है पॉजिटिव होती हैं, एक आपकी टेन होती है, एक कोट होती है, वो दोनों पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी नेगेटिव होंगी। अब आप बोलोगे कि उनमें तो पी बी और पी आता है, बिल्कुल सही बात है आपकी, बी और पी आता है, लेकिन वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ समझ नहीं आएगा ऐसे समझिए। देखिए पी अपॉन एच करूँगा, जो पी है वो नेगेटिव है,
ये एक माइनस आ जाएगा साइन नेगेटिव, बी अपॉन एच करूंगा तो फिर से बी नेगेटिव आ जाएगा नेगेटिव, लेकिन जब मैं पी अपॉन बी करूंगा, जब मैं पी अपॉन बी करूंगा यानी कि टेन की आइडेंटिटी होते हैं ना, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जब मैं पी अपॉन बी करूंगा तो पी भी नेगेटिव है बी भी नेगेटिव है, ये दोनों माइनस माइनस कट गया, तो अब क्या बचा आपके पास में, अब ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब टेन पॉजिटिव होता है। और सिंपली जब आप कोट के लिए करोगे, कोट क्या होता है बी अपॉन पी, यहाँ से देखिए वो जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाली, वहां से ध्यान रखना आपको, तो ये बी अपॉन पी करोगे फिर से माइनस, ये माइनस ये कट गया, तो इसमें क्या आया, इसमें आपका टेन पॉजिटिव आया और दूसरे कौन पॉजिटिव आया कोट, ठीक है। अब यहां बनाइए आप, इस वाले में क्या होगा, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसमें जो है आपका बेस पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो सभी टर्म इसमें नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, जिसमें पी आएगा और जिसमें बी अपॉन एच आएगा वो सिर्फ वो पॉजिटिव होगी। अब देखिए ऐसी कौन सी है, सिर्फ बी अपॉन एच ऐसी, ये कोस ही एक ऐसा है जिसमें बी अपॉन एच आता है, और दूसरी आपकी सॉरी सेक, दूसरी सेक आपकी जिसमें एच अपॉन बी आता है, बी अपॉन एच इज बी अपॉन एच इज इक्वल टू कोस थीटा, एच अपॉन बी इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो फोर्थ वाले में कौन कौन पॉजिटिव है, सेक थीटा और दूसरी कौन है कोस थीटा, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत डीप कंसेप्ट था, मैंने पूरे मन से समझा आपको, समझ आ गया ठीक है। और अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, आपको याद कैसे रखना है कि कौन कब कहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो ऐड शुगर टू कॉफी, चार वर्ड का सेंटेंस है, एक एक वर्ड मैंने सभी उसमें क्वाड्रेंट में लिख लिया, ऐड शुगर टू कॉफी। अब इस ट्रिक के सिर्फ पहले वर्ड पे ध्यान दीजिए, ए से का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है ओनली साइन पॉजिटिव, टी का मतलब होता है ओनली टेन पॉजिटिव, सी का मतलब होता है ओनली को, ये कोट गलती लिखा है, कोस होता है यहाँ पे कोस, इसको करेक्ट कर लेना आप, ओनली कोस पॉजिटिव, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी भी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, लेकिन ये थोड़ी सेंसिबल है, ऐड शुगर टू कॉफी, तो मैंने इसलिए इसको लिखा है ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, छह की छह आइडेंटिटी पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ लेना। और इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, कौन कौन साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इस वाले में टेन और उसका रेसिप्रोकल कौन कोट, टेन और कोट पॉजिटिव होगा, इसमें कोस और उसका रेसिप्रोकल कौन सेक, सेक कोस और सेक पॉजिटिव होगा, समझ आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद कर लेना, आपको ये जो बड़ा कंसेप्ट है जो मैंने अभी यहाँ समझाया, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये अगर आपको समझ आ गया तो अगले आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले क्वेश्चन करते हैं, इसे हम सिस्टमेटिक वे से करेंगे। इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थ्री टेन थीटा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, फाइंड ये 15 साइन थीटा प्लस 10 कोस थीटा माइनस 8 कोट थीटा, ये आपको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने बताया थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आपको नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो सिस्टम है ना, जो मैंने अभी अब समझा, आप ये आपको समझ आए जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कहाँ यूज करना है। तो आपको दिया है 3 थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, ये 4 को आप इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा और ये 3 को इधर लाओगे तो डिवाइड में चल जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 आ गया आपका। अब आपको ध्यान करना है 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस की फॉर्म में, ये आपको ध्यान नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, एक पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, यहां से ध्यान करिए इसको, टेन का फॉर्मूला निकालना है आपको, ये तो हो गया साइन का, ये हो गया कोस का, ये हो गया आपका टेन का, यानी कि पी अपॉन बी, ये देखिए पी अपॉन बी, इसमें कन्फ्यूज मत होना है, पी अपॉन बी लिखा हुआ है, ठीक है, पी अपॉन बी, यानी कि ये फोर क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर है और बी बेस क्या है तीन है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, एच इज इक्वल टू रूट में बी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, चार का स्क्वायर करोगे 16, तीन का स्क्वायर करोगे 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट करोगे 5, ये आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूस। ये माइनस है, अभी भी आप कन्फ्यूज मत होना, ये माइनस का, ये माइनस यहाँ से इस इक्वेशन से माइनस आया, तो ये निकालते टाइम हम माइनस प्लस का वो नहीं देखते हैं, उसका सिस्टम अलग है, ये जब हम निकालेंगे साइड निकालेंगे तीनों, इसमें माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है। अब मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में
बेस भी आ गया मेरे पास में, परपेंडिकुलर भी आ गया मेरे पास में, हाइपोटेनियस भी आ गया। अब मैं निकालूंगा क्या, अब मैं निकालूंगा जो जो मुझे क्वेश्चन में चाहिए, साइन चाहिए, कोस चाहिए, कोट चाहिए। तो साइन निकालूंगा, साइन का फॉर्मूला बताइए मुझे इससे, यहां से देख के, इस शॉर्ट ट्रिक से देख के, इस ट्रिक से देख के बताइए। पी अपॉन एच आएगा, ठीक है, साइन का पी अपॉन एच यानी कि 4/5। ये पॉजिटिव मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पॉजिटिव होता है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में। याद कीजिए दूसरी ट्रिक, ऐड शुगर टू कॉफी वाली ट्रिक याद कीजिए एक बार। सेकंड क्वाड्रेंट इन्होंने बताया थीटा कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी यानी कि ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब साइन क्या है, कैसा है, पॉजिटिव। कोस का क्या फॉर्मूला होता है, बी अपॉन एच यानी कि बी अपॉन एच यानी कि 3/5। और अब आप बोलोगे कि कोस के सामने मैंने माइनस लगाया हुआ है यहाँ पे, वो इसलिए लगाया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है जबकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपली वैल्यू पुट कर दो। ये देखिए मैंने आपको जो है कोट की वैल्यू निकाल के नहीं बताई है क्योंकि कोट की वैल्यू आप सिंपली कोस अपॉन साइन से निकाल लोगे, 5/5 जाएगा आपका और 3/4 आ जाएगा, माइनस का 3/4, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे आप 15 इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 15 साइन थीटा की वैल्यू 4/5 यहाँ पे पुट कर दी, कोस थीटा की वैल्यू माइनस की 3/5 यहाँ पे पुट कर दी, कोट थीटा की वैल्यू माइनस की 3/4 यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो 12 - 6 + 6 - 6 + 6 कट गया, 12 आंसर आ गया आपका, ठीक है, सिंपल। अब एक और कंसेप्ट समझते हैं आज का। देखिए वीडियो अगर लेंथी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेंथी वीडियो से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको नॉलेज मिल रही है, आपका कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है, बेसिक कवर हो रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ये सब समझ लोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री में कभी मार नहीं खाओगे। 5-6 वीडियो में पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके टिप्स पे करा दूंगा मैं, ठीक है। को फंक्शन आइडेंटिटीज अगला टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, डिग्री और रेडियन का चक्कर होता है, कहीं आप ये पाई में देखते हो एंगल, कहीं 90 डिग्री में, इनका क्या चक्कर होता है। देखिए एंगल को, दो एंगल क्या होता है, दो लाइन के बीच का झुकाव होता है। ये एक लाइन है इनिशियल, ये दूसरी लाइन है, इनके बीच का जो होता है झुकाव होता है। इनको हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। जैसा कि मैं इसको बोल देता हूँ कि ये 90 डिग्री है और रेडियन में मैं इसको पाई बाई 2 बोल देता हूँ। ये कैसे होता है, क्योंकि जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री को जो है पाई लिखता है, ठीक है। तो इसलिए इनको ऐसे डिनोट किया जाता है, समझे आप। तो ये यहाँ पे 0 या 360 हम इसको बोल सकते हैं, 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2 या 180 डिग्री या फिर पाई, और नीचे क्या आपका 270 डिग्री या फिर 3π/2, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं इनका कन्वर्जन आपको अलग से करा दूंगा, लेकिन इतनी अभी जरूरत नहीं है इनकी, अभी सिर्फ आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। अब को फंक्शन आइडेंटिटीज क्या होता है, जब हमें एक दूसरे में चेंज करने की जरूरत पड़ती है ना, जैसे साइन को कोस में, कोट को टैन में, ये चेंज कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब समझेंगे अब हम, ठीक है। देखिए ये देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, आपको इतना पता होगा जो कोई भी ट्रायंगल होता है, जो त्रिभुज होता है, उसकी तीनों जो एंगल होते हैं उसके, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है 90 डिग्री ऑलरेडी है, यानी कि इसका और इसका सम कितना होगा, 90 होगा। अगर मैं बोल देता हूँ कि ये एंगल थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 - थीटा होगा ऑब्वियसली, तो ये थीटा है। तो मैं इसमें आइडेंटिटी लगाता हूँ साइन की, साइन क्या होता है, ये यहाँ से फिर से वही शॉर्ट ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, वही अपनी सिंपल सी देसी शॉर्ट ट्रिक है। तो इसमें साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच, पी ये एक्स है और एच क्या है, एच एच ही है, तो एक्स अपॉन एच आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इस एंगल के पर्सपेक्टिव में, एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है बच्चे को कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है और कौन हाइपोटेनियस है, किस साइड से देखें, कैसे पता करें। आज मैं पहले आपको यही बता देता हूँ, ये देखिए ये आपका कोई ट्रायंगल है, इसमें जो 90 डिग्री वाला होता है ना, इसके जो जस्ट सामने जो साइड होती है, जस्ट सामने जो साइड होगी वो होती है आपकी हाइपोटेनियस, ठीक है। इसके जस्ट सामने जो साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनियस, और जो एंगल है
इस एंगल जिस एंगल के पर्सपेक्टिव से जिस एंगल की नज़र से आप देख रहे हो ना, वहाँ आप एक आई कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ये समझ लीजिए एक आँख है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो आँख से नीचे ये तो आपका ये हो जाएगा बेस, और इसके सामने जो होगा ना वो होगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं एंगल इसको मान लूँगा ना, अगर इसको एंगल मान लूँगा तो ये तो हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, लेकिन फिर बेस जो है ये हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरी आई ने ये हो गई, आई ये हो गई तो बेस ये हो गया, और ये हो गई जाएगी आपके परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर इस एंगल के रेस्पेक्टिव में देखूँ तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, इसके में देखूँ तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। इन जो एंगल होते हैं ना इनका फंडा होता है, ठीक है। अब इस एंगल की नज़र से मैंने देखा, जब साइन थीटा क्या है एक्स अपॉन एच, अब मैं देखता हूँ इस एंगल की नज़र से तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। तो कोस थीटा का फॉर्मूला बताइए मुझे अपनी देसी शॉर्ट ट्रिक से, हिंदुस्तान, ठीक है बताइए आप मुझे कोस का फॉर्मूला। अरे बहुत अच्छे, बी अपॉन एच, सही बात है। बेस क्या है, बेस है एक्स, और एच क्या है, एच एच ही है, एक्स अपॉन एच। तो आप एक बात देखिए, वन और टू से साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा दोनों एक्स अपॉन एच, यानी कि दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों इक्वल आए हैं, इसका मतलब ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 90 माइनस थीटा, ये तो हो गई कंसेप्ट की बात। अब समझिए होता क्या असलियत में, जब आपका एंगल आता है ना ऐसे, जैसे मैं कोस में 90, यहाँ पे 90 माइनस या प्लस करता हूँ, तो 90 to 70 पे आपकी आइडेंटिटी जो है चेंज होती है, ओड मल्टीपल ऑफ 90 का जो ओड मल्टीपल होगा ना, जैसे 90 और 270 है, इन पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज होती है। और जब आपके एंगल है इवन मल्टीपल ऑफ 90, जैसे 0, 180 या 360 हैं, उनमें रिमेन सेम रहता है, उनमें आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। ये अभी अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं अभी आपको चेंज करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा। और एक बात और समझिए आप, जैसे कि आपका ये है, जब चेंज होती है तो कौन किस में चेंज होता है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट टेन में और टेन कोट में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में, ठीक है। इसको इसीलिए बॉक्स में लिखा हुआ है क्योंकि ये आपस में चेंज होते हैं, ठीक है। कब, जब ओड मल्टीपल ऑफ 90 आएगा, यानी कि 90 और 270 पे चेंज होते हैं, बाकी इन तीन एंगल पे चेंज नहीं होते। अब देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखते हो कि एंगल प्लस या माइनस जो भी हो रहा है वो है क्या। तो आपने देखा 90, आपने देखा 90 और 270 पे तो भाई आइडेंटिटी जो है आपकी चेंज होगी, साइन यानी कि साइन चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, साइन होगा कोस में चेंज, तो मैंने कोस लिख दिया। अब आप देखोगे कि साइन आपका माइनस आएगा कि प्लस आएगा, अब आपने देखा 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है भाई, ये 90 यहाँ हो जाता है, और 90 प्लस थीटा यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ये कोस कैसे हमने सिंपली लिख दूंगा थीटा, ठीक है। ये आया आपको समझ। चलिए एक और बताता हूँ, जैसे कि आपका ये है, यहाँ पे देखिए अगर आपका लिखा हुआ है साइन, मैं बोल देता हूँ कि आप बताइए मुझे साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा। सबसे पहले देखिए आपका जो प्लस या माइनस हो रहा है वो क्या है, 180। अब आप देखोगे 180 पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज होती है क्या, जी बिल्कुल नहीं होती, 0, 180, 360 पे आइडेंटिटी चेंज ही नहीं होती है, आइडेंटिटीज चेंज होती है सिर्फ 90 पे और 270 पे। अब देखिए 180 पे आपकी नहीं चेंज हो रही है, इसका मतलब आप साइन को एज इट इज लिख दोगे, अगर चेंज होती तो चेंज करके लिखते, साइन लिख दिया। अब 180 प्लस थीटा कहाँ को है, 180 यहाँ हो जाता है आपका, और प्लस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट चला गया ये, जब 180 यहाँ हो गया है आपका और उसमें आपने थीटा कुछ प्लस किया तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो आप नेगेटिव लगा दो और थीटा लिख दो सिंपली, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। ये सब चीज़ें लर्न नहीं कराता हूँ मैं, और ये लर्न करने की चीज़ें हैं भी नहीं, ये समझने की चीज़ें हैं, बहुत डीपली समझने हैं इनको आपको। और देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, टेन 90 प्लस थीटा मुझे बताइए क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो मेरी बात समझिए ध्यान से, सबसे पहले देखे जो प्लस या माइनस हो रहा है वो क्या है, वो 90 है, 90 क्या है, 90 और 270 पे एंगल चेंज होता है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है।
इसका मतलब एंगल चेंज होगा। टेन किस में चेंज होता है? टेन चेंज होता है नीचे, वो जो मैंने बॉक्स पे लिखा हुआ वहां लिखा हुआ था मैंने, कोट में चेंज होता है टेन। ठीक है, अब देखें 90 + θ कहाँ जाएगा, 90 यहाँ हो गया, कुछ प्लस करोगे 90 में, थीटा जरा सा भी होगा तो भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, टेन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो आप नेगेटिव लगा दो और थीटा लिख दो सिंपली। ठीक है, टेन 90 + θ माइनस कोट थीटा आ गया। अब आपको कन्फ्यूजन रहती है कई बार ये कि जो हमें साइन लिखना है नेगेटिव पॉजिटिव वो इसके अकॉर्डिंग लिखना है या फिर इसके अकॉर्डिंग लिखना है, तो मैं आपको बता दूं वो साइन इसके अकॉर्डिंग लिखना है, जो आपका क्वेश्चन है ना जो स्टार्टिंग में उसके अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना है। ठीक है, एक और देखते हैं, sec 180 + θ, sec 180 + θ जब आप करोगे तो सबसे पहले देखिए जो प्लस माइनस वो क्या है, तो वो 180 है, 180 में आप कुछ भी, 180 कहाँ हो गया, यहाँ हो जाता है 180, कुछ भी ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में sec कैसा है, तो वही आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफी वाली, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो केवल टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव, तो सबसे पहले तो आप नेगेटिव लगा दो, 180 है तो चेंज नहीं होगा, sec का sec ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और थीटा लिख दो सिंपली। ठीक है, ये सी चीज़ें जो है प्रैक्टिस करने से आएंगी, बहुत ध्यान देने से आएंगी। अब मैं बहुत काफ़ी मैंने एग्जांपल कराए हैं, कुछ आप करके देखे, हर चीज़ में 90, 180, 360 प्लस माइनस करके देखे और लिखिए उनको। ठीक है, ये चीज़ें लिख सिर्फ आपको दिमाग में डालनी है, कैसे क्यों करते हैं ऐसा, कहाँ माइनस आता है, कहाँ पॉजिटिव आता है, कोई चेंज होता है तो क्यों होता है, क्यों कोई नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, किसी 180 में थीटा प्लस करते हैं तो वो कहाँ जाता है, 270 में थीटा प्लस माइनस करते हैं कहाँ जाता है, ये सब देखें चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं को फंक्शन आइडेंटिटीज नीचे जो मैंने लिखी हुई हैं, ये सब देखिए, यहाँ मैंने 90 को पाई बाई टू लिखा हुआ है, इसलिए आपको मैंने रेडियन और डिग्री वाला कंसेप्ट बताया था, 90 को पाई बाई टू लिखते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कोस थीटा, कोट कोट होता है आपका टेन में चेंज, टेन होता है आपका कोट में चेंज, ये सब क्या है, 90 में से आप कुछ भी माइनस करोगे ना, ये यहाँ से समझिए, ये देखिए यहाँ 90 है और 90 में से आप कुछ भी माइनस कर लो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी वाली शॉर्ट ट्रिक से, तो इसमें सब पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ चक्कर ही नहीं, कर 90 में से कुछ भी माइनस हो रहा है ना तो सिंपली जिसमें चेंज हो रहा है उसका वो लिख दो, नेगेटिव पॉजिटिव सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं इवन ऑड आइडेंटिटीज आपकी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये अभी बाद में बताऊंगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोस माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और कोट माइनस थीटा कोस, ये कोस माइनस थीटा कोस थीटा, इसमें दो स्पेशल चीज़ें आई हैं, ये देखिए ये और ये, बाकी सब में माइनस थीटा का बार माइनस आया है, ये देख लीजिए हर केस में माइनस आया, इन दो में क्यों नहीं आया, इसका उत्तर बहुत सरल तरीके से मैं आपको देता हूँ, ये आपका क्वाड्रेंट है फोर्थ। ठीक है, माइनस थीटा का मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हो आप जैसे कि कोस माइनस थीटा है तो जीरो माइनस थीटा लिख दूं मैं इसको, कोस जीरो माइनस थीटा, तो कोस जीरो कहाँ, यहाँ है जीरो, और जीरो में से आप कुछ भी माइनस करोगे थीटा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी वाली शॉर्ट ट्रिक से कोस और सेक जो है पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये इसलिए पॉजिटिव आते हैं दोनों, ये आपको कभी किसी ने बताया लोगों, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूँ इसलिए पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी वाली शॉर्ट ट्रिक से कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव आते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, साइन 270 + θ, अब देखिए साइन 270 + θ ये क्वाड्रेंट आपने बनाया, ये 270 यहां पे हो जाता है, ये 270 होता है यहाँ पे 270, ठीक है, इसमें कुछ भी थीटा प्लस करोगे तो कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन होता है नेगेटिव, तो मैंने सबसे पहले तो नेगेटिव लगा दिया, 270 90 और 270 पे एंगल चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो ये माइनस कोस थीटा आएगा आपका, मैंने लिख दिया कोस 180 माइनस थीटा, ये देखे 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ पे हो जाता है, 180 में से कुछ भी माइनस करोगे थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव, और 180 है तो एंगल चेंज नहीं होगा, कोस का कोस ही रहेगा, ये माइनस कोस थीटा मैंने लिख दिया। ठीक है, टेन 90 + θ, टेन 90 + θ, 90 + θ, 90 में कुछ भी प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और जब 90 प्लस या माइनस होता है तो एंगल चेंज होता है, टेन चेंज होगा कोट में और माइनस आएगा क्योंकि टेन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस कोट थीटा आपका आ गया। ठीक है, साइन 90 + θ,
साइन का 90 प्लस थीटा यानी कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 प्लस थीटा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 90 है तो इसलिए एंगल चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो इसलिए पॉजिटिव कोस थीटा आएगा। पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस होता है, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। कोस 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है आपका, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 है तो एंगल चेंज नहीं होगा, कोस का कोस ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, माइनस कोस थीटा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं तीसरी बात आपकी सबसे लास्ट की, कोट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो है कोट जो है वो नेगेटिव होता है, तो मैंने माइनस लिख दिया, और 180 पे एंगल चेंज नहीं होता है, आपका कोट का कोट ही रहेगा, तो माइनस कोट थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या आता है आपका, माइनस कोट से आपका माइनस कोट कट गया, माइनस कोस से आपका माइनस कोस कट गया, और माइनस कोस से कोस कट गया, माइनस वन आपका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। ये ऑलमोस्ट 35 मिनट का लेक्चर है, लेकिन अगर ये 35 मिनट आपने बहुत ध्यान दिया ना, आपने दिल लगा के पढ़े हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री आप यूं कर लोगे यूं। तो दोस्तों लेसन आपको कैसा लगा था प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, अपने रिव्यू जरूर दें, और ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड जो लेसन है वो भी हम जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए इसको ध्यान से पढ़िए, हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को तैयार कीजिए, ठीक है। तो चल नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।